हाय एवरीवन दिस इज़ वनिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है तसर सिल्क पे इसको अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है अहिंसा का क्या मतलब है यहाँ पे और सिल्क को क्यों कहा जा रहा है अहिंसा मींस नॉन वायलेंस तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टू क्या दो वी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो थ्री थ्री इससे आपको थर्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज़ पे चलिए कमिंग बैक टू टॉपिक हम बात कर रहे हैं तसर सिल्क की जिसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है वाइल्ड सिल्क तसार को इस तरीके से भी लिखा जाता है तसर सिल्क कहा जाता है और ये जो थ्रेड है सिल्क की ये एक वाइट विंग्ड मॉथ है जिसे कलेक्ट किया जाता है येलोइश ब्राउन इसका कलर रहता है साइंटिफिक नेम इन मॉथ्स का है पैफिया और इनको ये ग्रुप का पार्ट है जिनको कहा जाता है एम्पर मॉथ्स और सेचोरिट्स तो ये इसका थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से ये सिल्क जो है वो इकट्ठी की जाती है आपको पता है वैसे किसी भी तरह की सिल्क सिल्क वॉम से बनाई जाती है सिल्क वाम की हेल्प से बनती है और यहाँ पे जो मॉथ यूज़ हो रहा है वाइड विंगड येलोइश ब्राउन इन कलर ये रहता है अब ये जो मॉथ्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं सिल्क ऑप्टेन करने के लिए ये एक तरह का वंडर ही आप समझ लीजिए एक तरह का चमत्कार ही है इनके विंग्स पे आपको सर्कुलर मार्किंग्स भी नज़र आएंगी अगर आप उनको क्लोजली देखेंगे वो मिरर जैसी दिखेंगे और क्लोजली जाके देखेंगे इन सर्कुलर मार्किंग्स में आप अपनी खुद की रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं अब इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कोसा सिल्क ये संस्कृत नेम है देसी तसर के लिए और इसको मेनली इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है ये अपने नेचुरल गोल्ड कलर्स के लिए फेमस है अगर आप यूजुअली इसका कलर देखेंगे तो नेचुरल गोल्ड कलर्स में आपको मिलेगा जो कि इसको कहाँ से मिलता है इसके जिस मौत से हम ऑप्टेन करते हैं उससे एंथेरा पैफिया या एंथ्रिया मिलिता एंथरिया प्रोलाय और हिस्ट्री की बात करें तो ओरिजिन जहाँ तक तसर सिल्क का कंसर्न है बहुत ज़्यादा डेटा कि ये कब ओरिजिन हुई कौन से टाइम से शुरू हुई वो इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस है तसर सिल्क का और झारखंड में इसकी मेन प्रोडक्शन होती है। अदरवाइज अब तक, आ, तसर सिल्क की बात करेंगे तो भागलपुर भागलपुर बिहार में और मालदा वेस्ट बंगाल में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और फिर झारखंड में और जो प्रोड्यूसिंग तसर इज़ ए रूरल आर्ट इसको रूरल आर्ट इसलिए कहा गया है कि यूजुअली गांव के जो लोग हैं वो इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं ट्रेडिशनली ट्राइबल महिलाएं जो हैं रूरल एरियाज़ की वो ट्रेंड होती हैं कि सिल्क को कैसे वीव करना है कोकून से और फैब्रिक्स बनाने हैं थ्रेड्स वो लोग ऑप्टेन करते हैं तो रूरल महिलाएँ इन कामों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती हैं अब बाकी भी टेक्सटाइल आर्ट्स की बात करेंगे तो तसर भी टाइम के साथ इम्प्रूव हुआ है मॉडर्नाइज़ हुआ है इसका प्रोडक्शन तसर सिल्क इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ यहाँ पे लोगों का लगता है यानी लेबर बहुत लगती है इस सिल्क को प्रोड्यूस करने में रूरल और ट्राइबल लेबर दोनों महिलाएं इस इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हैं उनको ट्रेन किया जाता है प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए अब देखिए ऑलमोस्ट तीन दिन लगते हैं उनको एक दस मीटर तसर सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए तो दस मीटर क्लॉथ अगर आपको देखना है तो तीन दिन में बनता है और हर एक जो एम्प्लॉयड लेबर है वो एटलीस्ट दस सिल्क साड़ियाँ एक महीने में बनाते हैं और प्राइस इनका अराउंड थ्री थाउजेंड टू थर्टी फाइव हंड्रेड तस्र सिल्क साड़ी का रहता है अब जो रूरल वूमेन हैं वो इन्वॉल्व हैं साड़ी में वो ऑलमोस्ट पंद्रह सौ से पच्चीस सौ रुपए एक सिंगल साड़ी के कमाते हैं लेकिन टाउन में ऑब्वियसली सेम काम आप करेंगे शहरों में तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे अब तसर सिल्क बनती कैसे है जिस तरह से बाकी का सिल्क ऑप्टेन किया जाता है ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है तसल सिल्क को भी वैसे जो लार्वे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के सिल्क वर्म्स के जैसे एंथ्रिया मेलिता एंथ्री एंथ्रिका प्रोलाय फिर एंथ्रिया परनाए और यामामाए इन सब को यूज़ किया जाता है ये जो इंसेक्ट्स हैं इस स्पीशीज़ के ये आपको मोस्टली वाइल्ड में मिलेंगे और ट्रीज पे ये रहते हैं ट्रीज पे फीड करते हैं अब जो इनके कोकूंस हैं ओके okay, इनको कलेक्ट किया जाता है ये सिंगल शेल में आपको इनके कोकून जो हैं वो मिलेंगे फिर इनको बॉयल किया जाता है सिल्क को यॉन करने के लिए अब यूजुअली जब प्यूपा बीच में ही होता है नॉर्मल सिल्क में जब लोग बनाते हैं तो ही वो कोकून को बॉईल करते हैं लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कोकून जब खाली हो जाता है उसके बाद इसको बॉईल किया जाता है इसलिए इसको अहिंसा सिल्क कहा जाता है कि यहाँ पे नॉन वायलेंस है हम सिल्क वॉम को मार नहीं रहे ये सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इसलिए इसको अहिंसा सिल्क कहा जाता है तो बॉयलिंग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि वो कोकून हार्ड रहता है अदरवाइज सॉफ्ट हो जाता है बॉयल करने से और सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है अब देखिए सिल्क वॉम के कल्चर को हम क्या बोलते हैं सैरिकल्चर तो नॉर्मल जो सेरिकल्चर है कोकूनस को लारवा जैसे कोकून होगा उसके अंदर ही लार्वा होगा तब उसको बॉयल किया जाएगा लेकिन जो जब लार्वा कोकून से बाहर निकल जाता है तो ये आपको ये ज़रूर याद रखना है कि भाई इसको अहिंसा सिल्क क्यों कहा जाता है नॉन वायलेंट सिल्क नॉर्मल सेरिकल्चर में और तसर सिल्क के सेरिकल्चर में क्या फ़र्क है तो इस पैराग्राफ में जो मैंने आपको समझाया कि वाई इट इज़ नोन एज अहिंसा सिल्क कि लार्वा इससे निकल जाता है किसी को हम मार नहीं रहे दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स क्या है मेजर पार्ट तसर सिल्क के इंडिया में खारसावा डिस्ट्रिक्ट झारखंड इंडिया इसको एपिसेंटर माना जाता है झारखंड स्टेट अलोन अगर आप देखेंगे फोर्टी परसेंट टोटल सिल्क प्रोडक्शन इंडिया की यहाँ होती है सेरिकल्चर को मैनेज किया जाता है बहुत ही स्किल्ड ट्राइबल वर्कफोर्स है जो इनकम जनरेट उनकी इस सोर्स से होती है बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स यूज किए जाते हैं कैरेक्टरस्टिक्स अगर आप इसके देखेंगे रिच कोर्स ऐसे थोड़ा रफ टेक्स्चर आपको नजर आएगा लाइट और एरी होगा दोनों सीजन समर्स विंटर्स में इसको पहन सकते हैं काफ़ी कूल कंफर्ट फीलिंग मिलती है ये साड़ी पहन के इसका ड्रेप भी बहुत अच्छे से आता है फॉल भी बहुत अच्छे से आता है डेलिकेट और स्टिफ नेचर और नेचुरल शेड्स में आपको ये साड़ी मिलेगी सो दिस इज़ योर अहिंसा सिल्क संस्कृत वर्ड से अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस तो पीस सिल्क भी आप इसको बोल सकते हैं क्रुएलिटी फ्री सिल्क नॉन वायलेंट सिल्क मतलब कोई भी इस तरह की सिल्क जिसको प्रोड्यूस किया गया है बिना किसी सिल्क वॉम को हार्म किए हुए तो so, आई होप इसका आपका इसका टॉपिक क्लियर है कि अहिंसा सिल्क क्यों बोलते हैं ओरिजिन इसका जो क्रिएशन कमर्शियलाइजेशन अहिंसा सिल्क की क्रेडिट इसका जाता है कुसुमा राजिया 60 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे आंध्र प्रदेश इंडिया के जिनको पेटेंट मिला था ट्रेडमार्क मिला था अहिंसा सिल्क के लिए ये इंस्पायर हुए थे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स से और फोर्टी ईयर्स सेरिकल्चर एक्सपीरियंस इनका रहा और काफ़ी थ्यूरीज़ हैं अहिंसा वे ऑफ लाइफ की कि किस तरह से सिल्क को बनाना चाहिए फिर उन्होंने देखा कि इस तरीके से विदाउट किलिंग द लार्वा इट इज़ पॉसिबल टू वीव सिल्क सिल्क क्रिएट की जा सकती है और नाइनटीन नाइन्टी में ऑलमोस्ट उन्होंने शुरू किया टू थाउजेंड वन में उनकी कंपनी मार्केटिंग करने लगी और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इंडिया और एब्रॉड में असर सिल्क को मिली रेगुलर सिल्क से कैसे अलग है वैसे भी देखने में फील जो है हिंसा सिल्क साड़ी का काफ़ी डिफरेंट आता है रेगुलर सिल्क साड़ी से ऑल वेदर फैब्रिक है यानी कूलनेस एज वेल एज़ वॉर्म्थ दोनों रिटेन रखती है सर्दियों में पहनोगे तो गर्म लगेगी गर्मियों में पहनोगे तो ठंडी लगेगी सो बोथ सीजन्स में इट कैन बी यूज सॉफ्ट है बट बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है बट तो जैसे मैंने बताया इसका बहुत ही एलिगेंट ड्रेप आता है सो दिस इज़ अबाउट अहिंसा सिल्क इस फैब्रिक के बारे में हमने बात की इससे पहले भी बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बनाना फाइबर पे तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था वो भी आप देख सकते हैं कि बनाना से भी लोग बनाना ट्री से फाइबर बना रहे हैं नेचुरल चीजें यूज की जा रही हैं सो दिस इज अ गुड थिंग क्वेश्चन है द सिल्क वॉर्म लारवा सीजेस टू ईट एंड बिगिन स्पिनिंग सिल्क ऑल ओवर इट्स बॉडी फ्रॉम इन टू आउटसाइड फ्राम आउटसाइड टू इन इन अ रैंडम मोशन ऑल ऑफ द बफ कॉमेंट सेक्शन में आप सही आंसर मुझे बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच और येस कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन ई एम आई ऑल्सो अगेन आई वुड टेल यू द कोड बीरो थ्री टू गेट थर्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट थैंक यू सो मच